बॉलीवुड के कोई भी डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस और स्क्रिप्ट राइटर कभी किसी एजेंडा के तहत कोई काम करते हैं और कोई वेब सीरीज, कोई मूवी लेके आते हैं, तो उसको पब्लिक ने बहुत अच्छे से धोया है। अब तो ऐसा हो गया है। और अभी हाल में ही आपने देखा होगा, तांडा वेब सीरीज आई थी, उसमें उन्होंने अपना एक एजेंडा चलाने की कोशिश की और ऑडियंस उसको बहुत तगड़े से धोया। वैसा ही कुछ एजेंडा लेके फिर से आए हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा। लव जिहाद वाला एजेंडा है इस बार उनका, और उसको वो प्रूव करते दिख रहे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सब कुछ अमन चैन है। जब डेली आप न्यूज़पेपर में एक या दो खबर लव जिहाद की पढ़ रहे हैं और जिसके ऊपर थोड़ा सा लोगों के अंदर आक्रोश भी है, उस टाइम पे ऐसी स्क्रिप्ट को लेके आना, तो मुझे लग रहा है कि वो अपना एजेंडा चलाने के लिए ये पूरी मूवी को बनाए। उनका टारगेट ऑडियंस के सामने कोई एक सिनेमा रखने का नहीं, एक अपना एजेंडा पेश करने का था। दूसरी चीज़ ये कि जो जोनर था इस मूवी का, तूफान का, उसका अगर देखा जाए तो वो बहुत ही घिसा पिटा जोनर हो गया है। जैसे कि अपने गन्ने की मशीन में गन्ने का रस निकालता है ना बंदा, तो अगर गन्ना एकदम सूख चुका है, उसका रस निकल चुका है दो चार बार, और फिर उसी को फिर से डाल देता है वो कभी कभी कि शायद उससे रस निकल आए, तो वही चीज़ हो रही है स्पोर्ट ड्रामा के साथ। क्योंकि आपने क्या है कि आपने इस पर काफ़ी सारी मूवी देख ली है, आपने भी बॉक्सिंग से रिलेटेड, किक बॉक्सिंग से रिलेटेड भी आपने कई मूवी देखी है। आपको मैं सुल्तान का एग्जाम्पल ले सकता हूँ। और इनमें होता क्या है कि एक बार क्या होता है, मूवी ऐसे उठती है और जाके क्लाइमेक्स में खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको ये दिखाना था कि एक राइज हुआ, खत्म हो गया। फिर डायरेक्टर लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ ऑडियंस को लगा कि ये तो फॉर्मूला फिक्स है, इसमें कुछ और दिखाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, एक बार राइज दिखाते हैं, फिर एक फॉल दिखाते हैं, फिर राइज दिखाते हैं, जो चीज़ आपने सुल्तान में देखी थी। फिर वो सलमान खान मोटा सा पेट लेके घूम रहे होते हैं, फिर वो मोटिवेट होते हैं और फिर वो करते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पे फरहान अख्तर करते हैं, फिर वो मोटा सा पेट लेके घूम रहे होते हैं, फिर उनके साथ कुछ ट्रेडी हो गई होती है, जैसे सुल्तान में सलमान खान के साथ हो गई होती है, वही मोटिवेशन लेके वो फिर से फाइट करते हैं, फिर से जीत जाते हैं। मतलब पूरा प्रेडिक्टेबल प्लॉट था, आपको सुबह से ही पता होता है कि आखिरी में क्या जाके क्या होना है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं देखने को मिला कि मैं कुछ अच्छा देखा, कुछ अलग देखा, कुछ डिफरेंट था, कहीं नहीं। मतलब एक एजेंडा था और उसके अलावा एक फिक्स स्पोर्ट ड्रामा था जो आपने देखा। अब बात करते हैं बॉक्सिंग। बॉक्सिंग तो ऐसा लगा कि आपने ऑडियंस भी इतनी ट्रेंड हो गई होगी, उसने भी वही सारे सीन मुक्का खाने के बाद एकदम खून गिरता हुआ मुंह से, ऐसा कई सारे सीन आपने बहुत बार देख चुके हैं, आप कि कुछ नया नहीं है। आपने ऐसा नहीं लगा कि आपने कुछ बिल्कुल भी नया देखा, क्योंकि तो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि सुल्तान आ चुकी है, वो किक बॉक्सिंग से रिलेटेड थी, कुछ और मूवी थी जैसे कि आपने प्रियंका चोपड़ा की मैरी कॉम देखी थी, वो भी बॉक्सिंग से रिलेटेड। तो आपने बॉक्सिंग से लगता है ऑडियंस बहुत ट्रेंड हो चुकी है, वो खुद कोच हो गए हैं। अब मुझे नहीं लग रहा बॉलीवुड को इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई और मूवी बनानी चाहिए। चलिए ये तो हो गया सब बात, अब घुसते हैं थोड़ा डिटेलिंग में, बात करते हैं डायरेक्शन की। तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने इसको डायरेक्ट किया और 2 घंटे 43 मिनट की मूवी बनाई। अरे आप इतनी लंबी लेंथ की मूवी आप क्यों बना रहे हैं, आपको ये चीज़ें थोड़ी सी कट शॉर्ट करनी थी। इतना लंबा आपने खींच के ले गए उसको, बेकार का खींच के ले गए, मतलब ऐसा नहीं था कि उसकी रिक्वायरमेंट थी। ऑल्दो ये था कि दो बार मैंने बोला ना कि एक राइज फॉल फिर एक राइज दिखाना था, लेकिन फिर भी उसको कट शॉर्ट किया जा सकता था, कुछ चीज़ें थी जो रिक्वायर्ड नहीं थी। और डायरेक्शन में मुझे बहुत मज़ा नहीं आया। मैं जैसा बोल रहा हूँ कि ये जिस जोनर में थी वो फिक्स होता है, आपको पता होता है कि इसमें एंड में क्या होना, तो कुछ था ही नहीं डायरेक्शन के हिसाब से। अब बात करते हैं इसकी स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट लिखी है अंजुमन राजाबली और विजय मौर्य ने। और स्क्रिप्ट में जैसे मैं बोला कि इन्होंने एक दो स्टफनी लगा रखी करेक्टर को, मैं स्टफनी इसलिए बोला क्योंकि उनको बाद में यूज करना था। जैसे कि एक फरहान अख्तर का दोस्त बनाया रखा है इन्होंने हुसैन दलाल को, दूसरा एक परेश रावल के दोस्त बना रखे हैं और उनको यूज किया एज ए स्टफनी, उनका यूज है स्क्रिप्ट में, बस इसीलिए उनको लेकर चलना है। तो मुझे लग रहा है कि स्क्रिप्ट में कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की गई, जैसा मैं बोला हूँ कि जोनर जैसा था। और लव जिहाद को के पीछे पड़े रहे पूरे टाइम, उसी को हाईलाइट करते रहे और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं जैसा बोल रहा हूँ कि ये चीज़ तो नहीं सोची चाहिए थी स्क्रिप्ट को लेके। अगर आपको एक स्पोर्ट ड्रामा ही दिखाना था तो आपका पूरा फोकस उधर होना चाहिए। आपने पूरा फोकस उधर शिफ्ट करके ना पूरा कचरा कर दिया। फर्स्ट हाफ तक एक पकड़ रहती है, स्क्रिप्ट अच्छी जा रही होती है, ऐसा लगता है कि हम कुछ अच्छा देख रहे हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में जो कचरा होता है ना वो तो मतलब ऑडियंस को लगता है कि ये क्यों ही हो रहा है और क्या ही हो रहा है। अब चलते हैं परफॉर्मेंस, ये डिपार्टमेंट थोड़ा सा बेटर था। अब बात करते हैं तूफान यानी कि फरहान अख्तर की। फरहान अख्तर ने वही किया जो उन्होंने भाग मिल्खा भाग में किया था, उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, वही आपको सीन दिखाई देंगे। अगर आप सीन को इधर से उधर कर दें, मतलब अगर भाग मिल्खा भाग के सीन में जो वो प्रैक्टिस करते हैं, जो दौड़ रहे होते हैं, कभी
कुछ और कर रहे होते हैं, वो सारी चीजों को आप इधर उधर कर देंगे तो आपको लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ा स्क्रिप्ट में। वही सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो मुझे लग रहा फरहान अख्तर की एक्टिंग वही थी जो भाग मिल्खा भाग में उन्होंने की थी, लेकिन शायद मुझे लग रहा भाग मिल्खा भाग में थोड़ा इमोशनल टच था तो थोड़ी सी वो बेटर थी। दूसरी चीज या दूसरी परफॉर्मेंस में बात करूं, मृणाल ठाकुर की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेंथ ज्यादा थी। अगर मैं भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर के रोल से कंपेयर करूं तो यहाँ पे काफी लेंथ थी उनके पास और उन्होंने उस हिसाब से परफॉर्म भी किया, इंप्रेस करने वाली परफॉर्मेंस थी। तीसरी परफॉर्मेंस जो परेश रावल की थी वो भी इंप्रेसिव रही। वो कोच बने हुए हैं और एक मृणाल के फादर भी हैं, बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस लगी मुझे इन तीनों में। अच्छी परफॉर्मेंस रही, काफी टाइम के बाद उनको देखा इस टाइप के रोल में और अच्छी परफॉर्मेंस रही उनके। इसके अलावा एक दो सपोर्टिंग रोल थे जो जैसे विजय राज थे, दर्शन कुमार थे, इनके सपोर्टिंग रोल मुझे सपोर्टिंग रोल के हिसाब से अच्छे लगते हैं, जस्टिफाई करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। अब इसके अलावा बात करते हैं म्यूजिक की, तो म्यूजिक था शंकर एहसान लॉय का, जो हमेशा से फरहान अख्तर की मूवी में हमेशा म्यूजिक देते रहे। और आपको भाग मिल्खा भाग का म्यूजिक याद होगा, उसके क्या ही बेहतरीन गाने थे, लेकिन यहाँ पे तूफान का जो टाइटल ट्रैक है उसको छोड़ के कोई भी गाना मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो बहुत ही अच्छा हो या फिर कहीं पे भी ऐसा लगा हो कि इसमें मेहनत की गई हो। तो म्यूजिक भी मुझे बहुत एवरेज सा लगा। अब बात करते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट की, तो इस मूवी का डायरेक्शन एवरेज था, इसके पुअर से भी अगर नीचे कोई कैटेगरी हो तो उसमें दी जा सकती है। तीसरी चीज परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी इंप्रेसिव लगी, अच्छी परफॉर्मेंस दी लोगों ने, म्यूजिक मुझे एवरेज लगा। तो अब बात करते हैं रेटिंग की, तो मैं इसे देता हूं 1 स्टार 5 में से, क्योंकि सिर्फ लोगों ने परफॉर्मेंस दी है, बाकी का सारा डिपार्टमेंट डब्बा था। जल्दी आऊंगा अगला सिनेमा रिव्यू लेकर, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। गहरे अंधेरे सुनी राहें, डूबता दिल।